तो ये है दोस्तों टाटा पंच का बेस मॉडल, जिसमें आपको 27 की माइलेज मिल जाती है। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे माइलेज अवेलेबल है। प्राइस इसका स्टार्ट होता है एक शोरूम 6 लाख से, और बेसिकली पेट्रोल का स्टार्ट होता है 6 लाख से। ये है CNG मॉडल, जिसमें ट्विन CNG मिल जाता है, यानी कि बूट में ट्विन CNG, साथ में बूट स्पेस भी आपको मिलेगा प्रॉपर अपने ट्रैवल के लिए। सो फटाफट से करते हैं इसका एक क्विक सा वॉक अराउंड एंड ऑन रोड प्राइस बताऊंगा। हर एक चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं विद द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इसकी जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो है 187 mm। बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, टर्निंग रेडियस, फ्यूल टैंक एंड बूट स्पेस। और साथ में सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। तो बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन लैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे ये है हमारा पार्किंग लैम्प और ये है मेन हेड लैम्प। ये है हाई बीम एंड लो बीम जो कि हेलोजन में दिया गया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो बाद में डेटम रनिंग लाइट्स और बहुत सारी एसेसरीज, इवन 360 कैमरा, रियर में वाइपर, डिफॉगर, स्टीयरिंग कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम, हर एक चीज़ बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हो। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलेगी और कुछ ऐसे हेडलैम्प मिलेंगे, बहुत ही बोल्ड एंड मस्कुलर डिज़ाइन दिया गया है। एंड फॉग लैम्प यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो भी बाद में इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आपको एसेसरी की वीडियो चाहिए तो वो अलग से मैं पोस्ट करता हूँ, जिसमें हर एक एसेसरी मैं आपको बताने वाला हूँ विद प्राइस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे आपको स्टील व्हील मिलेगा विद द हब कैप। तो ये है 15 इंचेस का 185/70 सेक्शन टायर। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई है, व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग एंड ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बट ORVM मैनुअली एडजस्टेबल है, तो आपको कुछ ऐसे ही मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे, विंडो डाउन करके मैनुअली हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। ब्लैक कलर का ORVM है, ब्लैक कलर का डोर हैंडल है जो कि बाद में पेंट हो जाता है, और यहाँ पे टेपिंग करी गई है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे रूफ रेल्स अवेलेबल नहीं है, शॉक फिन एंटीना आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। एंड ये है दोस्तों रियर लुक। सो रियर में आपको टेल लैम्प भी ऑन करके दिखा देता हूँ एक बारी में। सो दीज आर द टेल लैम्प्स जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल दिए गए हैं। यहाँ पे रिवर्सिंग लैम्प दिया गया है, LED लाइट आपको मिलती है फॉर द लाइसेंस प्लेट, पंच की बैजिंग, ICNG की बैजिंग। रियर में वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगा, CNG की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी। बटन प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। सो ये है टोटल बूट स्पेस। CNG एंड नॉन CNG की बूट स्पेस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। CNG में आपको थोड़ा सा कम मिलता है, नॉन CNG में ज़्यादा मिलेगा। कम होने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेज एरिया है ओवरऑल। और यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज़ द सिलेंडर, ट्विन सिलेंडर। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पेयर टायर नहीं आपको मिलता, स्पेयर टायर नीचे की साइड आपको मिलेगा, तो प्रॉपर स्पेयर टायर भी अवेलेबल है। और 1 kg के यहाँ पे आपको हुक भी मिल जाते हैं, एक हुक इस साइड है, एक हुक आपको इस साइड मिलेगा। यहाँ पे सीट को भी आप फ्लैट फोल्ड डाउन कर सकते हो। और इसके अलावा बात करते हैं ओवरऑल दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज द ऑन रोड प्राइस। और सर्विस कॉस्ट चेक कर सकते हो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट के ऊपर। हर एक गाड़ी की एग्जैक्ट जो सर्विस कॉस्ट है वो वेबसाइट के ऊपर पोस्टेड है, वो भी अप टू 10 ईयर्स तक की। बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है ये। और पेट्रोल में जो पावर है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, CNG में पावर हल्की सी आपको कम मिलती है। मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स अवेलेबल है, CNG के साथ आपको सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। और यहाँ पे साउंड एंडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं, फायर वॉल पे भी यूज़ करे गए हैं, पार्शल अंडरबॉडी इंजन गार्ड मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, देख सकते हो। और अब चेक करते हैं इंटीरियर्स। तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे की मिलेगी, दोनों ही नॉर्मल यहाँ पे कीज़ अवेलेबल हैं। और ऐसे आप कार को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो, और सारे डोर्स एक बारी में लॉक हो जाते हैं, तो सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है। तो आपको सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे रिमोट की इंस्टॉल करवा सकते हो। सो यहाँ पे की रिंग एल्यूमिनेटेड है, कार को ऑन करोगे ये है वेलकम फंक्शन। और ये है डैशबोर्ड की लुक, डुअल टोन इंटीरियर्स दिए गए हैं, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री अवेलेबल है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, फ्रंट वाली स्पेशली बहुत कंफर्टेबल है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। क्लच फुटरेस्ट यहाँ पे दिया गया अलग से। यहाँ पे कुछ और स्पेस अवेलेबल है, CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG आप स्विच कर सकते हो, और डायरेक्ट CNG स्टार्ट भी मिल जाता है, CNG कट ऑफ भी आपको मिल जाता है। काफ़ी सारे CNG रिलेटेड यहाँ पे सेफ्टी फीचर जो है वो दिए गए हैं। 5-स्टार ग्लोबल इनकैब रेटिंग तो है ही इस गाड़ी की।
और साथ में यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रंट डोर आप देख सकते हो, स्पीकर की स्पेस, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर। फ्रंट की दो पावर विंडोज़ अवेलेबल हैं, रियर की दो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हो। और साथ में ये जो आपको कंट्रोल मिलता है ये एल्यूमिनेटेड है। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश इनसाइड डोर हैंडल, इसको बंद करते डोर को ऐसे ही आप लॉक कर सकते हो, सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, दिस इज़ द गियर नॉब, सो रिवर्स आप गियर लगाओगे तो रियर पार्किंग सेंसर्स का कुछ ऐसे आपको साउंड मिलेगी, डिस्प्ले नहीं मिलता। ऑल दो बाद में आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाओगे तो रियर कैमरा लगा सकते हो, प्रॉपर 360 कैमरा लगा सकते हो, तो आपको डिस्प्ले मिल जाता है। एंड यहाँ पे प्रॉपर एंड्रॉयड सिस्टम लग जाता है, जिसमें कि जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन अपना यूज़ करते हो सारी ऐप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, इवन गेम्स देख सकते हो, CCTV कैमरा ओपन कर सकते हो, गूगल यूट्यूब सब चल जाता है। वो 15,000 से 20,000 के बीच में आता है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी 10,000 का भी आता है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है और यहाँ पे आपको AC मिलता है, सो मैनुअल AC। और यहाँ पे बिग साइज का ग्लव बॉक्स, लैपटॉप एंड टैबलेट ट्रे अलग से, बहुत ही बड़ा साइज का ग्लव बॉक्स है, पेन होल्डर भी है अलग से। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, नॉर्मल IR VM है। और यहाँ पे सेंटर में हेलोजन लाइट और टॉल सीट होल्डर। और ये है स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कंट्रोल बाद में आप लगवा सकते हो, और एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील में दी गई है बेस मॉडल में, तो टिल्ट एडजस्टमेंट है। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स और हेडलैम्प लेवलर। और कुछ ऐसा आपको MID स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, डिजिटल स्पीड आपको मिलेगी, ओडोमीटर और काफ़ी सारी और भी इंफॉर्मेशन ये शो करता है, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT हो गया, ट्रिप ए ट्रिप बी आपको मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, टाइम ऊपर शो कर रहा है, कोई भी डोर ओपन होगा तो एग्जैक्ट ही शो करेगा, इवन बूट ओपन होता है तो वो भी शो करेगा। अगर हम बोनेट ओपन करते हैं तो बोनेट का रिमाइंडर नहीं मिलता, बट बूट का रिमाइंडर और ऑल फोर डोर्स का रिमाइंडर आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। और ये है रियर डोर, पावर विंडो आप बाद में लगवा सकते हैं, स्पीकर की जगह बॉटल होल्डर्स। और यहाँ पे रियर सीट्स, दो फिक्स्ड हेडरेस्ट हैं, रियर AC वेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे मोबाइल पॉकेट दी गई है, ग्रैब हैंडल इस तरफ भी ग्रैब हैंडल। और ये है डैशबोर्ड की लुक। अब इससे जो नेक्स्ट वाला मॉडल है उसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इतना प्राइस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जो आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं वो भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर आपकी कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, वेबसाइट को विजिट कर लेना, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना दोस्तों, एंड चैनल पे बहुत सारे और भी वेरियंट्स पोस्टेड है तो आप वो भी ज़रूर चेक कर लो बिफोर बाइंग एनी कार। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।